स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट फोर्थ स्टार्ट हो चुकी थी। यूनिट फोर्थ का एक लेक्चर ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है। बाकी पीछे के लेक्चर्स अगर आपने अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा अदर सेमेस्टर के लेक्चर्स भी हमारे चैनल पे अपलोड हैं, तो आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। आज का ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा यूनिट फोर्थ का। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। अगले लेक्चर में देखेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है प्यूरिन के बारे में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पिछला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, बाकी डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि प्यूरिन होता क्या है। तो जैसे हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि जो डीएनए है न्यूक्लियोटाइड्स, उनके थ्री पार्ट्स होते हैं। शुगर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियो बेस होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो उसके अंदर जो थर्ड पार्ट था न्यूक्लियो बेस, न्यूक्लियोटाइड बेस, तो उसमें आते हैं हमारे प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डीएनए आरएनए की, उसको हम बोल सकते हैं क्या, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में से मिलकर क्या बनता है हमारा, आरएनए डीएनए प्रोटीन, जो भी आगे की प्रोसेस होती है वो प्यूरिन और पिरिमिडिन की मदद से ही होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो प्यूरिन के अंदर बेसिकली टू न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, ए और जी। बाकी पिरिमिडिन के अंदर होते हैं थ्री, एडेनिन गुआनिन को छोड़ के साइटोसिल, यूरेसिल और एक और होता है थाइमिन। तो ये तीन उसके अंदर होते हैं। तो ये आइडिया लग गया आपको कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, जो बेसिकली डीएनए फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका खुद का बायोसिंथेसिस कैसे होता है। तो बेसिकली टू मेथड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। फर्स्ट है डी नोवो पाथवे। डी नोवो मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। सॉल्वेज पाथवे, इन दिस पाथवे न्यूक्लियोटाइड आर सिंथेसाइज फ्रॉम द इंटरमीडिएट ऑफ द डिग्रेडेटिव पाथवे। कोई भी पाथवे होगा जिसमें कोई डिग्रेडेटिव पाथवे, उसका जो इंटरमीडिएट होता है उससे ही इसका फॉर्मेशन हो जाता है प्यूरिन का। तो हम सिर्फ देखेंगे डी नोवो पाथवे के बारे में। तो डी नोवो पाथवे, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, इसके बाद हम फ्लो चार्ट को समझेंगे। द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड ऑफ न्यूक्लिक एसिड गुआनिन 5-मोनोफॉस्फेट। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड ऑफ न्यूक्लिक एसिड ग्वानिन 5-मोनोफॉस्फेट, जिसको हम जीएमपी ग्वानिलेट बोलते हैं, एंड एडिनोसिन 5-मोनोफॉस्फेट एएमपी एडिनाइलेट हैव ए प्यूरिन बेस एडेनिन एंड ग्वानिन रेस्पेक्टिवली। मतलब कि इस सिंथेसिस के अंदर सबसे पहले बनेगा जीएमपी, देन एएमपी, और उस ये इनके अंदर क्या कंटेंट होता है, जो प्यूरिन बेस होता है एडेनिन और ग्वानिन, वो हमें मिलेगा, और चाहिए भी हमें यही, क्योंकि बायोसिंथेसिस करना है प्यूरिन्स का, तो ये दोनों ही प्यूरिन्स होते हैं। तो देखिए पाथवे जिसमें आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट पाथवे स्टार्ट होता है फॉस्फोराइबोसिल डाइफॉस्फेट, फॉस्फोराइबोसिल डाइफॉस्फेट और ग्लूटामेट मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामाइल एमिनो ट्रांसफरेज क्या बनाएंगे, ये इनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इनोसिन मोनोफॉस्फेट बेसिकली थ्री टाइप्स में कन्वर्ट होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोडेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम जीएमपी एएमपी, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। जीएमपी का मतलब आप समझ सकते हैं ग्वानिन 5-मोनोफॉस्फेट, और एएमपी का मतलब है एडिनोसिन 5-मोनोफॉस्फेट। ये ग्वानिन मोनोफॉस्फेट हो गया और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया।
तो एडिनोसिन जो ग्वानिन मोनोफॉस्फेट होता है वो उसके वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्वानोसिन में, और ये होता है एडिनोसिन में कन्वर्ट। देन ग्वानोसिन कन्वर्ट होगा ग्वानिन में, जो हमारा मेन प्यूरिन बेस है ग्वानिन, और ये कन्वर्ट होगा एडिनिन में। तो ये हमारा हमें प्रोडक्ट मिल गया। इसके अलावा जो इनोसिन है वो हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जेंथिन ऑक्सीडेज, ये जेंथिन में कन्वर्ट होगा, फिर से ऑक्सीडेशन होगा जेंथिन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, और ये यूरिक एसिड वेस्ट मटेरियल के रूप में कन्वर्ट होकर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा ग्वानिन भी जेंथिन में कन्वर्ट होता है। बाकी हमें चाहिए था सिर्फ एडिनिन और ग्वानिन, जो इस पाथवे के अंदर मिल रहा है। इस पाथवे को हम बोलते हैं डी नोवो सिंथेसिस पाथवे ऑफ प्यूरिन बायोसिंथेसिस। तो बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, छोटा सा टॉपिक था, आई होप ये समझ में आया होगा। हम छोटे छोटे टॉपिक इसीलिए लेते हैं कि आपका बेस क्लियर हो। अब प्यूरिन नाम आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लिखना क्या है। अगर मैंने प्यूरिन पिरिमिडीन सब कुछ एक जगह करवा दिए होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। तो इसी वजह से हम छोटे छोटे लेक्चर्स आपके लिए लेके आते हैं कि एक आप 5 मिनट के अंदर आपका एक टॉपिक कवर हो रहा है, तो क्या बुराई है इसमें? अगर आपको मैं 1 घंटे का लेक्चर लेके आऊँ, उसमें कंप्लीट यूनिट कवर कराऊँ, तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है उस यूनिट के अंदर। ताकि ऐसे टॉपिक्स आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।